और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल 9084 निक्की ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश फिर से आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। एक नए वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर हो गए। जैसा कि पता है कि आपको देश में अभी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। मोदी सरकार लोगों की, गरीबों की आर्थिक मदद करने के लिए अपनी जोर तोड़ से स्तर से काम करते जा रही है। अभी हाल ही में उन्होंने जनधन खातों में 3 महीने तक 500 रुपया गरीबों की आर्थिक मदद के लिए ट्रांसफ़र करने का फैसला किया है। एक अन्य योजना का अटल पेंशन योजना, जी हाँ, इसमें भी एक नया अपडेट मोदी सरकार ने हाल में किया है। लेकिन पहले हमें जानते हैं कि अटल पेंशन योजना है क्या। तो अटल पेंशन योजना NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट के वेबसाइट के मुताबिक 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी लोग इस योजना में शामिल हो सकते हैं, बशर्ते वह इनकम टैक्स के स्लैब के बाहर हो, मतलब वह इनकम टैक्स करदाता ना हो। अटल पेंशन योजना में पेंशन की रकम जो है आपके द्वारा किए गए निवेश और आपकी उम्र पर निर्भर करती है। अटल पेंशन योजना में के तहत कम से कम 1,000 रुपया और अधिक से अधिक 500 रुपया आपको पेंशन महीने मिलने का प्रावधान है। अब प्रश्न उठती है कि यह कब मिलेगी यह पेंशन। तो इस योजना में जो जीते जी ही नहीं बल्कि मरने के बाद भी पेंशन परिवार को आर्थिक मदद मिलती है। मोदी सरकार की यह नई योजना बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सलाह दिया जाता है कि वह इस योजना का फ़ायदा उठाए। अगर 60 साल से पहले आपकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उसकी पत्नी जो है वो पैसा जमा करती है, और जब उसकी उम्र 60 साल हो जाती है तो वह इस पेंशन के हकदार हो जाती है। अगर वो पत्नी जो है वह योजना में शामिल नहीं होना चाहती है तो उसे तय सीमा के अनुसार एक मुश्त राशि जो है अटल पेंशन योजना के तहत दे दी जाती है। दूसरा जो है पत्नी को एक मुश्त राशि दे दी जाती है। अगर वह इससे संतुष्ट नहीं है तो, अगर वह संतुष्ट है तो वह जो अपने पति का है जो प्रीमियम भरकर 60 साल तक फिर 5,000 रुपये का वार्षिक सालाना पेंशन उठाने का हकदार हो सकती है। तो मोदी सरकार का जो यह स्कीम है वो काफ़ी ही फायदेमंद है, आप अधिक से अधिक संख्या में इसका फ़ायदा उठाइए। मोदी सरकार के द्वारा शुरू की गई जो यह अटल पेंशन योजना में आपको आश्चर्यचकित होगा, आज इसके सदस्यों की संख्या 2.23 करोड़ से अधिक हो गई है। इस योजना के तहत सबसे बेनिफिट उन लोगों की है जिनकी आयु कम है और वे प्रीमियम भी कम भरेंगे। आपको आश्चर्यचकित होगा कि 7 रुपया महीना भरकर आप 5,000 रुपये का पेंशन पा सकते हैं, लेकिन आपकी उम्र कम होना चाहिए, इसलिए कम उम्र में ही आप इसका फ़ायदा उठाइए। उम्र बढ़ जाने के बाद इसमें आपको जो है EMI है जो आपको एक मुश्त प्रीमियम की राशि है वह ज़्यादा देने पड़ेगी। तो मोदी अब आते हैं हम आप सर मोदी सरकार की घोषणा। तो देश में जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए जो पहले आपका बैंक से ही ऑटो डेबिट हो जाता था उतना रुपये, मान लीजिए 300 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये, जो भी आप प्रीमियम भरते एक निश्चित तारीख को वो क्या होती थी, ऑटो डेबिट हो जाती थी। लेकिन ध्यान से सुनिए, सरकार ने 30 जून तक सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि ऑटो डेबिट ना करें। 30 जून के बाद ही वो जो प्रीमियम की राशि है वो एक साथ या किस्तों में रकम अब ग्राहक जो है कस्टमर अदा कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी फायदेमंद सरकार ने हम लोगों को दिया है, क्योंकि अभी ये खासकर आपको पता होगा इस योजना में वे ही लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं जिन गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनकी आमदनी कम है। तो सरकार ने गरीबों को मदद के लिए बहुत ही बड़ा फ़ायदा उठाया है, इसके लिए मोदी सरकार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए और हमें इस सेवा का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही अच्छी योजना है। तो इस तरह की सरकारी योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, लाइक करें, शेयर करें और लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है वो दबाएं। धन्यवाद।